हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारे स्किन में एक्ने क्यों होता है एंड कैसे हम एक्ने मार्क्स को रिमूव कर सकते हैं एंड कैसे हम एक्ने के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो एक्ने क्यों होता है, देखिए हम सबका जो स्किन टाइप है वो अलग अलग होता है। हर किसी का स्किन टाइप एक जैसा नहीं होता, सबका ही स्किन टाइप जो होता है वो अलग होता है। तो हम एक बेसिस पे नहीं बता सकते कि एक्ने क्यों होता है। एक्ने होने के बहुत सारे रीजंस होता है और कोई एक रीज़न नहीं है जिसकी वजह से एक्ने का प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं कुछ रीज़न के बारे में आपको बता रही हूँ कि क्या होता है ना, हमारे स्किन में जब एक्सेस स्किन ऑयल एंड बैक्टीरिया बढ़ जाता है तब हमारे स्किन में एक्ने की प्रॉब्लम होता है, ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम होता है एंड एनी चेंजेस इन हार्मोन्स। एंड हार्मोन्स में अगर कोई भी चेंजेस आने लगता है तो उससे वजह से भी एक्ने का प्रॉब्लम हो सकता है। एंड प्रेगनेंसी में होता है, अगर आपको PCOD और PCOS के प्रॉब्लम है तो उसमें भी हो सकता है। अगर आपके पेरेंट्स को है एक्ने की प्रॉब्लम तो उससे भी आपको हो सकता है। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा कोई फास्ट फूड खा रहे हैं, ऑयल ज़्यादा ऑयली खाना खा रहे हैं तो उसके वजह से भी हो सकता है और उसको जो रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। हाँ, और आप अगर बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं एंड मेकअप को अच्छे से रिमूव नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो पोर्स है वो और ज़्यादा ओपन हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको एक्ने का प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए जब भी आप मेकअप करते हैं ना उसे अच्छे से रिमूव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मेकअप को अच्छे से रिमूव करने के बाद आपको अपना स्किन का प्रॉपर केयर ज़रूर करना चाहिए। क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइज़र आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अच्छे से मेकअप को रिमूव ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, अगर आपने सनस्क्रीन अप्लाई नहीं किया है तो सन डैमेज के वजह से भी आपको एक्ने का प्रॉब्लम और ब्रेकआउट्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो सनस्क्रीन अप्लाई ज़रूर कीजिए। मैं बार बार मेरे हर वीडियो में ही बोलती हूँ स्किन केयर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सनस्क्रीन अप्लाई करना। अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपने जितना कुछ अपने स्किन में जितना भी केयर किया हो कुछ भी नहीं होगा, स्किन डैमेज होगा, स्किन में ब्रेकआउट्स, एक्ने, बहुत सारे जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसी वजह से सनस्क्रीन आप लोग प्लीज़ ज़रूर अप्लाई कीजिए जब भी आप बाहर जा रहे हैं या घर पे भी है। अगर आप घर पे भी है तो भी आप सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है एंड आपके स्किन में कौन सा प्रोडक्ट सूट करता है, कौन सा क्रीम आप लगा रहे हैं, कौन सा फेस वॉश आप यूज़ कर रहे हैं, वो आपको ज़रूर से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर आपका स्किन ऑयली है और आप ड्राई फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी आपका स्किन जो होता है डैमेज हो जाता है एंड स्किन में ब्रेकआउट्स, एक्ने की प्रॉब्लम हो जाता है। तो राइट प्रोडक्ट भी अपने स्किन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आपका स्किन जिस टाइप का है आप उस टाइप का प्रोडक्ट ही यूज़ कीजिए। आपको किसी और स्किन टाइप का प्रोडक्ट आप मत यूज़ कीजिए। अगर आपको आपका स्किन टाइप नहीं पता तो आप ऑल स्किन टाइप जो प्रोडक्ट आता है वो आप यूज़ करके देखिए कि उससे आपको स्किन में कोई एक्ने, ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। अगर आपको वो प्रोडक्ट सूट करता है तो आप उसे यूज़ कीजिए, अगर सूट नहीं करता देन आप और प्रोडक्ट यूज़ करें। ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, रात को आपको अच्छे से नींद नहीं आ रहा है तो उसकी वजह से भी आपको एक्ने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, उससे हमारा जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहता है
और बहुत स्किन उसके वजह से हमारा जो स्किन है वो भी हाइड्रेटेड रहता है। तो पानी बहुत ज़्यादा पीने की कोशिश कीजिएगा, जिससे हमारा बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहे और टेंशन जो है बहुत कम। तो टेंशन बिल्कुल मत कीजिएगा, जितना हो सके आप अच्छे से अपना स्किन का जो है केयर कीजिए, सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए, जो आपके स्किन के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है ब्यूटी प्रोडक्ट आप वो यूज़ कीजिए, तो आपको एक्ने ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम नहीं होगा। और नॉर्मली कुछ रेमेडीज़ है वो आप फॉलो कीजिए, जैसे आपको विटामिन ई कैप्सूल आप अप्लाई कर सकते हैं स्किन में, जिससे आपकी स्किन में एक्ने जो है वो ज़्यादा नहीं आएगा, ज़्यादा नहीं होगा। T3 ब्रेसिस जो प्रोडक्ट है वो आप अप्लाई कीजिए, एंड जो है नेचुरल जो है वो फेस मास्क आप अप्लाई कीजिए, जैसे बेसन हो गया, चावल का आटा आप यूज़ कर सकते हैं, उससे आपके स्किन में जो है एक्ने का जो मार्क है वो रिड्यूस होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। एंड जो है आप रोज़ वाटर ज़रूर यूज़ कीजिएगा फेस पे, उससे भी आपके जो एक्ने मार्क्स है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। और हल्दी का यूज़ ज़रूर कीजिए, नीम का यूज़ ज़रूर कीजिए, नीम पाउडर आप नीम पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, अपने किसी भी फेस पैक में थोड़ा सा आपने नीम पाउडर का इस्तेमाल करना है। और नीम पाउडर ऐसे भी आप नीम पाउडर लगा सकते हैं या बेसन के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं। अगर ऐसे आप नीम पाउडर का यूज़ कर रहे हैं तो नीम पाउडर में थोड़ा सा आप दूध ज़रूर दूध किंबा दही ज़रूर उसमें अप्लाई लेकर अपने ऑल ओवर फेस पे उसे लगाइए, और लगाने के बाद 10 से 15 मिनट तक छोड़ दीजिए, उसके बाद आप प्लेन जो है वाटर से वॉश कर लीजिए। नीम बहुत अच्छा है, उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो इसी वजह से आपके जो इन्फेक्शन हुआ है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। नीम फेस पैक भी यूज़ कर सकते हैं। नीम फेस पैक आप कैसे बना सकते हैं? नीम पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं फेस पैक में, नीम पाउडर के साथ आपने दही या कच्चा दूध मिक्स करना है, उसे अच्छे से मिक्स करके आप ऑल ओवर फेस पे लगाइए, एंड एप्पल करने के 10 से 15 मिनट बाद आप उसे प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए। एंड इसके इलावा आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जिस एरिया में आपका एक्ने की प्रॉब्लम है, आपको उस एक्ने को बार बार अपने हाथ से टच नहीं करना है, उसे ऐसे ही छोड़ देना है। जितना आप टच करेंगे, आपका जो हाथ में जो बैक्टीरिया है वो उसमें ट्रांसफ़र होगा और एक्ने जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और उतना ही तकलीफ़ आपको होगा। तो इसीलिए एक्ने को बार बार अपने हाथ से टच मत कीजिएगा, प्लीज़ उसे जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिए, वो अपने आप ही जो है कम हो जाएगा। तो उससे छेड़छाड़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।